नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने दोस्तों की। इसराइल और हमास के बीच 25 दिनों से जंग जारी है। दुनिया भर के तमाम देशों की ओर से संघर्ष विराम की अपील की जा रही है। पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा में गजा में जारी इसराइली युद्ध को रोकने के लिए और मानवीय मदद पहुँचाने के लिए युद्ध विराम का प्रस्ताव लाया गया था। इस बीच एक लातिन अमेरिकी देश ने बड़ा फैसला लेते हुए इसराइल के खिलाफ अपने राजनयिक संबंध तोड़ लिए हैं। दक्षिणी अमेरिका के इस देश का नाम है बोलिविया। इससे पहले दो अन्य दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया और चिली भी इसराइल से अपने राजनयिक संबंध तोड़ चुके हैं और अपने राजदूतों को वापस बुला लिया था। अरब जगत से बाहर जिस देश में सबसे ज्यादा अधिक फिलिस्तीनी आबादी रहती है वो देश चिली ही है। दक्षिणी अमेरिकी देशों के इस कदम के बाद दुनिया भर की नज़र खाड़ी के देशों पर टिकी है, खासकर सऊदी अरब पर, कि वह इसराइल और हमास संघर्ष को लेकर क्या कदम उठाएगा। उधर बोलिविया की उप रक्षा मंत्री फ्रेडी ममानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसराइल के साथ रिश्ते तोड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि गजा पट्टी में किए जा रहे आक्रामक और जरूरत से अधिक इसराइली सैन्य हमलों के कारण तेल अवीव के साथ अपने राजनयिक संबंधों को तोड़ने का फैसला किया गया है। बोलिविया की मिनिस्टर ऑफ प्रेसिडेंसी मारिया नेला पडार ने भी यह घोषणा की है कि उनका देश गजा में मानवीय सहायता भेज रहा है। उधर इसराइल ने बोलिविया के इस फैसले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह आतंकवाद के सामने आत्मसमर्पण है। वहीं हमास ने बोलिविया सरकार के फैसले का स्वागत किया, साथ ही इसराइल से संबंध समान कर रहे अरब देशों से भी ऐसी ही कार्रवाई करने की मांग करी है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले के बाद से जंग जारी है। इसमें इसराइल के करीब 1400 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इसराइल की गजा पट्टी में जवाबी कार्रवाई में 8500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हमास और इसराइल के बीच संघर्ष में दुनिया दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। यूरोपीय देश इसराइल के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं, तो ईरान समेत कई अन्य मुस्लिम देश फिलिस्तीन के समर्थन में दिख रहे हैं। बात अगर भारत की करें तो वह इसराइल के साथ खड़ा है, लेकिन फिलिस्तीन को भी राहत सामग्री भेजी है। फिलहाल ईरान ने मुस्लिम देशों से अपील करी है कि अगर इसराइल गजा पट्टी में हमले नहीं रोकता है तो उसको खाद्यान्न और तेल की आपूर्ति बंद कर दें। उधर इसराइल भी 3 मोर्चों पर घिर चुका है। गजा पट्टी में हमास से लड़ रहा है तो लेबनान से हिजबुल्ला सक्रिय है। अब यमन से हूती संगठन भी सक्रिय हो गया है और इसराइल पर हमला बोला है। ऐसे में हमास और इसराइल के बीच संघर्ष विराम की कोशिशों के बीच जंग तेज होती हुई नजर आ रही है।